महिला सशक्तिकरण पे लेकर के यहाँ पे ये जो फंक्शन हो रहा है, तो क्यों ना हम एक महिला से पहले बात करते हैं और जानते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में और यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा था उसके बारे में, आप बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम साक्षी रानी है, मैं BLL सेमेस्टर 1 से है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं महिला सशक्तिकरण का आज हम लोग का प्रोग्राम हुआ है, बट हम लोग अपने एनवायरनमेंट भी देखते हैं कितना महिला को कोई पावर ही नहीं मिलता। अपने घर पे भी हम लोग देखते हैं ना, हमें इनफैक्ट हमारी मम्मी लोग भी अगर कुछ करना चाहती तो बहुत ऐसे फैमिली में है जैसे उनको प्रेस नहीं किया जाता कि अगर आप करना चाहते हो तो करो। बट अगर उसके अकॉर्डिंग मेरे तरफ से देखा जाए तो हम अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हमको इस चीज़ के लिए प्रेरणा मिला कि तुम आगे बढ़ो अपना करो। बहुत सारी गर्ल्स को तो मिलता भी नहीं, जैसे हम अपने नेबर्स में भी देखते हैं। और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है पारिवारिक तरीके से? अगर उनका फैमिली अच्छा है, उनका सोच अगर बदल जाए तो वो लोग आगे बढ़ सकती है। ये तो हो गया कि एक पारिवारिक तरीके से महिला कैसे आगे बढ़ती है और महिलाओं के साथ आज भी क्या क्या होता है, कैसे उनको रोका जाता है, कैसे उनको दबाया जाता है, ये सारी एक पारिवारिक स्तर पे हो गई थी। पर अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। आप अपना पहले परिचय दें और बताएं कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो फंक्शन हो रहा था उस बारे में बताएं और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो यहाँ पे आकर के आप कवरेज कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का, यशवंत नाम हुआ मेरा। बेसिकली आज जो प्रोग्राम रखा गया था कि रोल ऑफ पुलिस क्या है, रोल पुलिस का क्रिमिनल जस्टिस में, और उसमें पर्टिकुलरली जो स्पेशलाइजेशन था उसमें वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं इसको लेकर के पुलिस का क्या एक रोल है, क्या उनका एक जस्टिस करने के, इस पर बहुत गहरी से चर्चा हुई आज। और बरका गांव के जो SDPO सर हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत बारीकी से सारी बातों को रखा। और जो चीफ गेस्ट के रूप में अम्बा प्रसाद MLA बरका गांव से भी, वो भी आई हुई थी और ये तमाम चीज़ों पर बात हुई बहुत डिटेल से। और मुझे लगता है कि यह जो प्रोग्राम है बहुत ही मीनिंगफुल रहा और एक प्रकार से ब्यूटीफुल भी था और एक उद्देश्यपूर्ण से भी भरा हुआ रहा ये। और मुझे लगता है कि इस तरह से प्रोग्राम कॉलेज में होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि आखिर किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है और वुमेन्स के प्रति किस तरह से लोगों का नज़रिया है सोचने का। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने 1-to-1 सवाल भी पूछे जो अभी अमित सिंह सर जो थे SDPO सर उन्होंने से कि किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है और इसको आप लोग रेक्टिफाई करने के लिए, कम्बैट करने के लिए कैसे। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और अभी आप लोगों को महिलाओं के बारे में शायद बहुत कुछ पढ़ना होगा कि महिला सशक्त, तो मैं आप इसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि महिला को सशक्त करने के लिए आप लोग क्या सोचे या फिर आप लोग ऐसा कुछ पढ़ाया क्या जाता है या फिर आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है इसमें? देखिए, मेरा पर्सनल जो मानना है कि जैसे महिलाएं या फिर बच्चियां जो भी घर में हैं शुरुआत से ही उनके कॉन्फिडेंस को उनके बूस्टअप करने की जरूरत है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर को लेकर के कि बेटी है तो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, बेटा है तो CBSE में पढ़ाना है, उसे अच्छे एजुकेशन देना, इस तरह की जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है उस पर पहले तो पेरेंट्स को, सोसाइटी को सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं मानता हूँ कि आप अगर महिला हैं तो इसका केवल जिम्मेदारी समाज का नहीं है कि मैं सशक्तिकरण के लिए समाज में सशक्त करेगा। आप अगर लड़की हैं, महिला हैं या फिर जो कोई भी आप इस चीज़ को देखते हैं आज के मॉडर्न टाइम पर, उन्हें खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, फंडामेंटल राइट्स को, लीगल राइट्स को जानने की जरूरत है। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि महिलाएं भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ना जाने, लीगल राइट्स को ना जाने, फंडामेंटल राइट्स को ना जाने, लेकिन उनसे पूछिएगा तरह तरह की चीज़ें जानती हैं। आप अगर 12 महीने का देखेंगे तो 12 तरह के फेस्टिवल्स को जानती हैं लेकिन अपने 12 तरीके के उनको राइट्स नहीं पता होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब तमाम चीज़ों के लेकर के, महिलाओं को लेकर सब चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें कैसे जागरूक किया जा सकता है महिलाओं को इन सब चीज़ों के बारे में? मेरा मानना है कि इस तरह की लेकर के अगर महिलाओं को जागरूक करना है, सशक्त करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो मेरा मानना है कि जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए और एक प्रकार से सरकार की तरफ से भी इस तरह का कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर कोई कोर्सेस हो शॉर्ट टाइम के लिए, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, ताकि महिलाओं को पता चले कि उनका एक्चुअल राइट्स क्या है। क्योंकि आप राइट्स जानेंगे तभी तो अपना राइट्स के लिए लड़ेंगे, आपको राइट्स ही नहीं पता तो आप बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण करें, कैसे करेंगे? हम आपको बोलते जा रहे हैं और महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए किससे बात करें, पुरुष से बात करें जो आपको शोषण के लिए बात कहा जाता है। अरे आपको खुद तो जानना है ना पहले, वो तो लाइबल है, वो तो आपको देंगे, आपको तो पूरा का पूरा आपको राइट है हर जगह पे जाने का। आज जैसे अम्बा दीदी आई, हमें प्राउड फील होता है कि लॉ कॉलेज की वो एलुमनी रही हैं, अभी विधानसभा का मेंबर हैं, तो प्राउड फील होता है कि महिलाएं लड़ें इस चीज़ के लिए, आगे बढ़ें, चाहे वो जुडिशरी का सेक्टर में हो, एग्जीक्यूटिव के सेक्टर में हो, चाहे लेजिस्लेटिव के सेक्टर में हो,
या फिर आप ही देख लीजिए जो मीडिया के सेक्टर में जैसे चौथा स्तंभ के रूप में हम लोकतंत्र को मानते हैं, तो आमतौर पर सभी लोगों को जानना चाहिए चीज़ें, मैं ऐसे समझता हूँ, और इस तरह से अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है वुमेन को। धन्यवाद। और मैं अब किसी और से बात करना चाहूँगी, कुछ महिलाओं से या फिर यहाँ के कुछ विद्यार्थी से, और आप बता सकते हैं कि पारिवारिक रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पारिवारिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने से पहले महिलाओं के जो मन मस्तिष्क में एक सोच बैठी हुई है मेल डोमिनेट सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, उसको निकाल देना चाहिए हर महिलाओं को अपने मस्तिष्क से, तभी एक मस्तिष्क महिला का समग्र विकास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको नहीं लगता है कि उनके जो दिमाग में चलते रहता है वो कहीं ना कहीं पहले देखी होती है, उसके बाद फिर अपने दिमाग में आता है? अब अगर कोई सामने इंसिडेंट नहीं होगा, वो इंसिडेंट को अपने दिमाग में छाप कैसे सकती है? तो अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी अगर कोई कहती है, क्योंकि हर कोई तो नहीं कहती होंगी, अगर कोई कहती है तो ऐसा कहीं ना कहीं वो तो एक्सपीरियंस की होंगी तभी कहती है, तो अगर इस बात को दिमाग से निकाल दे तो महिला सशक्त थोड़ी हो जाती है? देखिए, ये स्टेप महिलाओं को उठाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट भी अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मैं उन सारी महिलाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो पारिवारिक दबाव से, या फिर एक आप बात देखिएगा घर में अक्सर कि एक पिता अपने पुत्री से कहता है कि तुम दो परिवार की इज्जत हो, जरा आप सोच सकते हैं कि ऊपर वालों ने महिलाओं को इज्जत संभालने के लिए भेजा है, ये तो दरअसल गलत है ना। एक भाई भी अपनी बहन को दबाव डालता है कि इज्जत का क्या होगा, तुम किससे क्या बात कर रही हो, उस भाई को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर का इज्जत वो भी तो संभाले। तो यही है मेरा कि मेल डोमिनेट सोसाइटी के प्रति वो जो विचारधारा है, जो कुरीति है, जो जहर उसके दिमाग में घुली हुए है, उसे जितना जल्दी हो सके त्याग दे, इसी में उनके समग्र विकास हो सकती है। खैर, यहाँ तो हमने बात की अलग अलग स्टूडेंट्स और जाना इन लोगों की अलग अलग थिंकिंग, लेकिन अभी आपका ध्यान किसी और आकर्षित करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स है, यहाँ पे ड्राइंग्स बनाए गए हैं, और ये सारी चीजें महिला सशक्तिकरण को लेकर के है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक महिला का अच्छा। और अभी ये जो पेंटिंग को जिसने बनाया है वो हमारे साथ है, अभी हम लोग उनसे बात करेंगे कि पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा था इसको लेकर के। आप पहले अपना नाम बताएंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कि ये पेंटिंग, आप पहले तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि बहुत उम्दा पेंटिंग है, बहुत अच्छी कला आपके हाथ को मिली है, तो आप बताएंगे कि ये क्या सोच करके आपने बनाया, दिमाग में क्या चल रहा था जब ये बना रहे थे? एक्चुअली जब मैं ये पेंटिंग बना रहा था, मेरा नाम नीतीश कुमार दास हुआ, मैं हजारीबाग का ही रहने वाला हूँ, और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ लॉ का। तो हम लोग को एक्चुअली टॉपिक मिला था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पेंटिंग बनाना था, तो वही सोच के हम इसमें बनाए थे। और इसमें जो आइकॉन देख पा रहे हैं आप, गूगल यूट्यूब का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, तो आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी वुमेन्स के साथ बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार वगैरह होता है। मतलब आजकल जमाना मतलब सीमित नहीं रहा है, ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा लड़कियों के साथ मतलब क्या बोलते हैं इसको, शोषण होता है, वही सोच के इसको बनाया। अच्छा, और ये बनाने की आपने प्रेरणा या फिर कह सकते हैं कि हिंट आपने कहाँ से लिया या फिर अपने आपके दिमाग के ऊपर? मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है, गूगल नहीं, खुद से नहीं बनाया है, गूगल में सर्च करके जो हमको अच्छा लगा वही बनाया, थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन वगैरह है वो खुद से किया। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये ड्राइंग बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पे जो बाकी पेंटिंग्स है मैं उस और भी आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे 3 पेंटिंग्स लगी हुई है और सारी पेंटिंग्स वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ इशारा कर रही है। ऊपर पेंटिंग आप देख सकते हैं कि सारी महिलाओं को दर्शाया गया है कि महिला कैसे सशक्त बनाती है, लेकिन महिला कैसे कमजोर भी रहती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि सेव मणिपुर, अभी मणिपुर में जो मामला चल रहा है, जो अभी राज्य लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये मामला चल रहा है मणिपुर का, तो उसे यहाँ पे बनाया गया, दर्शाया है कि सेव मणिपुर, दहेज एक अभिशाप है, सेक्शन 498A, बेटी को ही क्यों मारा जाता है, यहाँ बेटी ही क्यों है, और उसका फिर ये चाकू रख रखा गया है कि उसे पेट में ही जो मार दिया जाता है। स्टॉप वायलेंस, दिल्ली में भी जो आए दिन खबरें आती रहती है, यहाँ पे हैशटैग दिल्ली करके लगाया गया है कि दिल्ली में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि उनके ऊपर प्रताड़ना हो रहा है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा होता है। महिलाएं हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, महिलाएं उड़ना चाहती है,
महिलाओं के दिमाग में ये चल रहा होता है, लेकिन महिलाओं को कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाता है वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेडिशनल लेवल पे यहाँ पे ड्राइंग बना करके दिखाया गया है, जिसमें आपको एक इंडियन कह सकते हैं फीमेल दिख रही है एकदम पूरा इंडियन साड़ी में। और जो सनातन धर्म में जो जिसे माँ दुर्गा कहते हैं वहाँ पे इनकी तस्वीर बनाई गई है, इनके हाथ में कई तरह के यहाँ पे औजार आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ये भी बनाया गया है कि अंधा कानून, और यहाँ पे महिलाओं का तस्वीर है। अभी आगे हम लोग आपको और भी ड्राइंग्स दिखाएंगे, यहाँ पे भी आगे ड्राइंग्स है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आए दिन जो महिला पे वॉयलेंस होते रहते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा गया सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखेंगे तो स्टॉप वॉयलेंस, यहाँ पे ये लिखा गया है जो इज्जत और सम्मान ना करे नारी का उसका कफन सिलवा दो साड़ी का, यहाँ पे ये स्लोगन लिखा गया है। और ये बनाया गया है मुस्कान रानी के द्वारा। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे सशक्त रहती हैं, यहाँ पे लॉयर है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे सफाई कर्मी है, हर जगह कोई ना कोई है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक महिला होती है। और ये प्रोग्राम तो अभी खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि महिलाओं को सशक्त कैसे करते हैं, महिलाओं को अच्छे से महिला के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, और महिला को कैसे आगे सोसाइटी में बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे हो ना हो महिलाओं के दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गया होगा कि महिला आगे कैसे बढ़ सकती है। जो सोसाइटी में भी मैंने बात किया था नीतीश कुमार से, तो उन्होंने बताया था कि अभी जो एक्सप्लोइटेशन है जो शोषण है वो सीमित नहीं रह गया है, अभी वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता है लेकिन अभी वो इंटरनेट के माध्यम से भी महिलाओं को शोषण किया जाता है। खैर ये सारी चीज़ हो गई महिला सशक्तिकरण को लेकर के। और यहाँ पे आज वही फंक्शन था कि यहाँ पे पुलिस क्या इसमें रोल प्ले करती है अपना ये शोषण कह सकते हैं या फिर महिलाओं को सशक्त करने के। तो आज इसमें हमने बताया आपको कि आज इसमें महिला सशक्तिकरण में जो फंक्शन था उसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल थी जो अभी लॉ कॉलेज थी वो पढ़ाई करके यहाँ से निकली है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे एन4 न्यूज़ भारत।